हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के नोट्स के बारे में, तो आपके आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। और उसी के साथ आपके आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए भी आपके एक वीडियो का एक लिंक मैंने नीचे दिया है, जिसके लिए आप बुक जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए मैंने आरआरबी सीबीटी 1 के लिए जो बुक्स बताई थी, आपकी मैथमेटिक्स की दो बुक्स बताई थी, एक आपकी आईईएस एकेडमी की और एक आपकी मेडीज़ की एप्टीट्यूड। उसी के साथ गाइस, मैंने आपके जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए भी बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स उस वीडियो में बताए हैं, और जनरल साइंस के लिए मैंने आपकी एप्टीट्यूड जनरल साइंस के लिए मैंने आपकी ल्यूसेंट बुक बताई है, ठीक है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये आप इसमें नोट्स देख सकते हो आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। गाइस, ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपका आरआरबी जेई का सीबीटी 2 क्रैक करने के लिए, और सीबीटी 1 के लिए आप वीडियो का जो लिंक है उसको देख सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सीबीटी 1 की प्रिपरेशन किस तरीके से और किस बुक से करनी है। सबसे पहले चीज़ आपको बता दूं कि आपको सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए कोई भी फर्जी बुक यूज़ नहीं करनी है, कोई भी नकली बुक यूज़ नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, उन बुक्स को यूज़ नहीं करना है, वो चीप बुक्स होती हैं और उनका कंटेंट भी 90% रॉन्ग होता है, ठीक है। अभी आप में इतनी नॉलेज नहीं होगी, बिकॉज अभी आपने कॉलेज सिर्फ ग्रेजुएट किया होगा या फिर डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया होगा, तो आपको शायद इतनी नॉलेज ना हो कि बुक्स को आप कैसे पहचानें। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुक्स को पहचानने का तरीका, कि कोई भी बुक आपको तभी खरीदनी है जब उसको आपको कोई रिकमेंड करता है, ठीक है। डायरेक्ट शॉप पे जाके आपको बुक नहीं खरीदनी, शॉप वाले के रिकमेंडेशन से कभी भी बुक नहीं खरीदनी, ठीक है। आप अपने टीचर से पूछिए, अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछिए, आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछिए जो 2 या 3 साल से पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर किसी ने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, उससे आप अच्छे से प्रिपरेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं। खुद जाकर कोई भी बुक्स मत खरीदिए, ठीक है गाइस। सो आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इट डजेंट मेक एनी सेंस टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग सेंटर्स। वो आपसे 40 से 45 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये कितनी भी फीस ले लेंगे, और आपकी प्रिपरेशन टाइम पर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ जो भी आपको वो पढ़ाने वाले होंगे, वो आरआरबी को कोई एक सीरियल वाइज खुद अपने नोट्स बनाकर नहीं पढ़ाने वाले, वो आपको सिंपल गेट के नोट्स पढ़ाने वाले हैं, गेट के आपके मेडिजी के नोट्स छपवाएंगे, या फिर आपको किसी बड़े कोचिंग सेंटर्स के नोट्स ही छपवाने वाले हैं। सो आपको जब वही छापने हैं, वही नोट्स करने हैं, तो उनको करने से फ़ायदा क्या, आप देख सकते हो कि जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस और आईटी के सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो, आप इनमें इन्हीं सब्जेक्ट्स को ओपन करके सेम टू सेम नोट्स वही आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है गाइस। सो आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी डाउनलोड कह रहा हूँ, कुछ भी कोचिंग सेंटर कोई भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ो, और आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैथ सीबीटी 1 के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी हैं, और वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको यूज़ करके आप सीबीटी 1 क्रैक कर सकते हो, सीबीटी 1 के लिए बुक्स खरीद सकते हो, और सीबीटी 2 के लिए आपका ये वाला कंटेंट भी बता ही दिया है, ठीक है गाइस। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और इस ड्राइव का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्राइव को आप अपने ड्राइव में ऐड कर सकते हो, या फिर ये सभी बुक्स को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ड्राइव में ऐड कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए इनको एक्सेस करना और यूज़ करना, और डाउनलोड करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो जाएगा, और सभी इजीली आप कंपाइल भी नहीं कर पाओगे कहाँ पर कैसे सेव करके रखनी है। सो अपनी ड्राइव में ऐड कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई सब्जेक्ट आगे पीछे है, तो यार मुझे देखो कंप्यूटर साइंस और आईटी के सब्जेक्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, सो मुझे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएसई और आईटी के सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट इसमें आगे पीछे हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं ट्राई करूँगा कि आपको सही से सब कुछ प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है गाइस। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। With that said, bye-bye, take care and all the best. Bye, guys.